हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब क्लोरीन गैस को एसिडिक FeSO4 सॉल्यूशन में फ्लो किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होता है। आइए अब सीखते हैं इस रिएक्शन को। देखिए, ये है Cl2 और हमें क्या लेना है, FeSO4। इसका नेम क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। और इसका कैसा सॉल्यूशन लेना है हमें, एसिडिक सॉल्यूशन लेना है। तो हमने लेंगे यहां पर H2SO4। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, अब इनसे क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, उसकी क्या ट्रिक होगी, जरा आप ध्यान से समझो। देखो ये कितने हैं, 2 है, तो हम ये लगा देते हैं 2। देखो Cl2 और यहां से H2, जब आप इन दोनों रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताओ, यहां से बन जाएगा 2HCl। क्लियर, 2HCl बन गया। अब तुम देखो Cl2 का भी रोल खत्म और यहां से H2 का भी रोल खत्म, आपके पास बचा क्या है, 2Fe और SO4। क्लियर, और यहां से बचा है SO4। कुल मिलाकर आपके पास 2SO4 ये है और 1SO4 ये, तो कितने SO4 हो गए, आपके पास 3SO4 हो गए। तो अब तुम इनको इस तरह से लिख दो, देखो Fe2 और SO4 का होल थ्राइस। अब ये क्या बना, इसे कहते हैं फेरिक सल्फेट। समझ में आई बात, तो अब ध्यान से समझो भाई, ये है क्लोरीन और क्लोरीन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगी। एक बार और समझो, देखिए Cl2 कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड कर देगी। क्लियर, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि क्लोरीन गैस को जब हम फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 के एसिडिक सॉल्यूशन में फ्लो करेंगे तो क्लोरीन फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड कर देगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।